पापा डायरेक्टर सर प्लीज आ जाइए. मैं सोच रहा था इनको स्पेशल अनाउंस करके पापा एट ऑल. हां ठीक है प्लीज जाओ पापा बुला लेंगे. ही इज आवर डैड. हां सही सही. मतलब उसके पापा मेरे क्या लगे फिर पापा पापा. अब ये सब बोलेंगे जगत पापा बन गए. ओके हम विद रिस्पेक्ट हम पापा बुलाते हैं उनको. बिहाइंड द कैमरा ओनली. क्या बोलिंग चल रहा है? यप. हां हां थैंक्स थैंक्स. इसके बदले रोल नहीं हो रहा. तो मायशा दानिश द टीम ऑफ सबसे पहले तो आपको बहुत बता दें 8 घंटे उसके गाने को आए हैं ऑलरेडी 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है. हां 1 मिलियन हो गया. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आपकी तरफ से फीलिंग एक्साइटमेंट किस तरह का फील हो रहा है अभी अपने गाने को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्या कुछ करना है. लेट्स स्टार्ट विद मायशा. आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी. And he's been working on this song for 3 saal se upar ho gaya hai. 3 saal? 3 saal pehle banaya tha. 3 saal pehle banaya tha. So yeah, so it's very close to his heart. So I think he should talk about it more. Actually, मैं ये गाना नहीं बनाना चाह रहा था. Honestly बताऊँ, क्योंकि जब ये मैंने गाना 3 साल पहले लिखा था, मैंने कभी ये चीज़ें शेयर की नहीं है पब्लिकली, बट ठीक है बोल सकता हूँ आज मैं. जब ये गाना मैंने लिखा था तो एक्चुअल में जो सिचुएशन थी वो एक ऐसी सिचुएशन थी. आई वॉज क्राइंग दैट टाइम. उस रात मैं बहुत रोया और रोते रोते ये गाना मैंने लिखा, क्योंकि मैंने एक्चुअल जो मैं फील कर रहा था मैं लिख रहा था. सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं ये गाना नहीं बनाऊँगा. मैं लाइफ में कुछ आगे बढ़ के कुछ अलग काम करेंगे, नए काम करेंगे. फिर आए हमारी लाइफ में ये मिस्टर अक्षय के अग्रवाल. मतलब ये पहले से ही थे, बट गलती से इन्होंने वो गाना सुन लिया. मेरी लिस्ट में वो गाना इन्होंने सुन लिया, तो इन्होंने बोला ये गाना क्यों नहीं कर रहे हो. मैंने बोला मैं ये गाना नहीं करने वाला हूँ, उसके रीजंस है. तो इन्होंने बोला नहीं ये गाना करना है, ये बहुत अच्छा गाना है और ये हम करेंगे. तो हमने डिसाइड किया इनके फोर्स करने पर, क्योंकि ये गाने में जो वर्ड्स हैं, जो लिरिक्स हैं इस गाने के, वो बहुत क्लोज है मेरे दिल के और मेरी रियल फीलिंग्स थी उस टाइम पे. फिर हमने ये गाना बनाया एंड वी शॉट इट इन अर्बेनिया. बहुत मज़ा किया हम लोगों ने वहाँ पे, बहुत एंजॉय किया. वो ट्रिप तो अनफॉरगेटेबल है. सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने वो हमारी लाइफ के बेस्ट डेज, बेस्ट 10 डेज थे. मायशा के आई थिंक चार पाँच. हाँ हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया वहाँ पे, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. बाकी ये बताएंगे डायरेक्टर साहब. सो हमारा जैसे कि प्लान हुआ और हम लोगों ने शूट किया, और ये शूट लगा ही नहीं कि हम यू नो प्रोफेशनली शूट करने आए हैं. हम लोग इतने दोस्त बन चुके थे, फ्रेंड्स बन चुके थे, तो हम इतना मजाक करते करते हंसते हंसते हम शूट कर रहे थे. ऐसा लगा कि ट्रिप पर ही हम लोग, अभी मजाक चल रहा है, शूट तो हो ही नहीं रहा है. बट ठीक है हमने किया, और कुछ 15-16 आवर्स लगातार बैक टू बैक हम लोग लगे रहे शूट करने में. फाइनली वी डिड इट, और उस ट्रिप को हम नहीं भूल सकते. एंड जैसे कि मैंने मैंने गाना सजेस्ट किया कि करो, अगर गाना चल गया हिट हो गया तो मेरी वजह से. मजाक कर रहा हूँ. ये सारा रेवेन्यू ले जाने की कोशिश में. तो द फैक्ट इज मैं मायशा से पहली बार मिला था, वो भी अर्मेनिया. गाइस असली रोमांस यहाँ है, आप मिस कर चुके हो. स्ट्रेट हाँ. मैं भी एकदम स्ट्रेट. तो मायशा से मैं पहली बार मिला था इन अर्मेनिया. डायरेक्टली हम लोग बाहर कंट्री में मिले थे, उससे पहले हम कभी इंडिया में मिले नहीं थे, ना हमारी बात हुई थी कभी. तो पहले दिन से हमने अच्छा बॉन्ड शेयर किया. हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया अर्मेनिया ट्रिप, बहुत इन्जॉय किया. शूट तो हमने मस्ती मस्ती में कर लिया, मतलब बहुत फन था शूट करने में, बहुत मज़ा आया. और आने का वहाँ से मन नहीं कर रहा था. गाने में एक्ट बहुत अच्छा किया है मायशा ने, आपने देखा ही होगा. बाकी जो हमने रोने वाले सीन किए वो असली थे. हाँ वो कोई हमने कुछ ग्लिसरीन वगैरह यूज नहीं किया उसमें. हमारा मतलब वहाँ पे ठंड इतनी थी कि बंदा अपना भी रो पड़े. मेरे लिए मेरा काम सबसे ज़्यादा इजी था. इनको मैंने बोला यहाँ पे रोना है और मैं प्रॉम्प्ट करूँगा तो रोना. वो इतने जल्दी ये लोग भरे बैठे थे, ठंड लग रही थी ना, कांप रहे थे.
तो बस प्रॉम्प्ट करो। माइनस वन डिग्री पे मैंने बाइक चलाई है, माइनस वन डिग्री पे मेरी हालत ऐसी हो गई थी वहाँ पे, मैं पूरा फ्रीज हो गया था। गर्म पानी के स्टीम से मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तो ये हालत थी हमारी वहाँ पे। तो दानिश ये कह सकते हम लोग जीना चाहिए जो ये सॉन्ग है आपके बेहद दिल के करीब है, बिकॉज आपने कहा कि ये जो गाने में आपने जो यूएसपी जो डाला है और जो ये आपका पूरा एक जो जो आपको जो फील हुआ है ना आपके जो लाइफ का एक जो पार्ट था, अब आप उसको रिवील करते नहीं करते वो हफ्ते ऊपर है, तो ये क्या गाना ही आपके सबसे करीब है? देखो गाने तो सारे हर आर्टिस्ट के दिल के करीब होते हैं, कुछ वो किसी और की लाइफ से इंस्पायर्ड होके लिखते हैं, कुछ वो अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होके लिखते हैं। ये गाना मैंने अपनी फीलिंग्स और अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होके उस टाइम पे लिखा था। वो सिचुएशन ऐसी थी, मेरा उस टाइम ब्रेकअप हुआ था और मैं पता नहीं आज मैं पहली बार पर्सनल अपनी लाइफ के में बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं चाहता ये सब बात करना, बट मन कर रहा है आज कुछ बोलने का। तो उस रात में, और ये बात मैंने कभी रिवील नहीं की, मैंने एक गलती की है लाइफ में, आज मैं वो कन्फेस कर रहा हूँ, मैंने कभी अपनी लाइफ में ड्रिंक नहीं किया था, उस रात मैंने पहली बार किया था और अब तक छोड़ा नहीं है। नहीं अब नहीं पीता हूँ, पता नहीं मेरे मॉम डैड इसके बाद मेरा मर्डर करने वाले होंगे, मुझे माफ़ कर देना मॉम डैड। हमारे यहाँ इस्लाम में अल्कोहल अलाउड नहीं है, बट मैंने उस रात में पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्या कर जाऊं, तो उस रात मैं बहुत रोया, मैंने बहुत पिया और मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे जैसे एक इंसान मरने वाला होता है ना, वैसी मेरी हालत हो गई थी। और उस सिचुएशन पे मैंने कुछ लाइन लिखी कि मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊँगा, अब ऐसी हालत हो गई कल मैं ना जीऊँगा। और मेरा अंदर ये चल रहा था कि एक बार आखिरी बार मरने से पहले एक बार उसको हक कर लूँ, कि मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा, शायद ये जीना चाहेगा। तो ये गाने की लाइंस हैं जो एक्चुअल उस टाइम पे मुझे फील हो रहा था, मैंने वो लिखा। मेरी मॉम ने आज मुझे कॉल किया ये गाना देखने के बाद, एंड शी वाज एक्चुअली क्राइंग। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उन्होंने मेरे को इस गाने में वैसा देखा है, उन्होंने वैसा फील किया, बट मैंने उनको ऐसे बोला कि ये एक्ट है, सिर्फ एक्टिंग थी। अगर उस टाइम पे मेरी मॉम एक्चुअल में मुझे देख लेती तो पता नहीं उनका क्या होता। अच्छा माईशा, हाउ इज यू नो वर्किंग विद दानिश, कैसा था आपका बॉन्डिंग उनके साथ? जैसे उन्होंने कहा आर्मेनिया वाज द फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली थी, एंड इनिशियली मैं बहुत मैं इनके साथ काम कर चुकी हूँ, थैंक्स, साइड में रह के भी वही है, बट एनीवे मैं उनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ, बट ये सॉन्ग जहाँ मैं वो द फर्स्ट टाइम मैं दानिश से मिली, एंड जो मूड खराब हुआ, मूड काफ़ी मजाक मजाक है, आप लोग हाथ नहीं पकड़ते, नहीं हम तो भूल गए, हम दोनों थैंक थैंक। सो हमने बहुत मस्ती किया, एंड आई थिंक चार दिन मैं इन लोगों के साथ चिल करी थी, मैं भी इनके जैसे लौंडा बन गई थी। Actually, हम सब लौंडे वाले काम नहीं, वो गलत साउंड करता है, नहीं वो नहीं किया, बट या वी गॉट अलोंग रियली वेल। हम आई थिंक फर्स्ट डे ही बहुत घुल मिल गए थे, एंड इट वॉज लवली वर्किंग विद देम। मेरे वजह से दानिश ने काफ़ी गाली भी खाई थी इनसे, बट या इट ऑल जस्ट मेड द एक्सपीरियंस इवन मोर फन एंड इवन मोर एंजॉयबल एंड इवन मोर मेमोरेबल। सो या हमने क्या क्या किया नहीं मत बताओ, अभी भी निशानी आपके रूम में कौन से? अच्छा नहीं बोलना था, ओके। मैं दारू नहीं पीती, मेरा अभी तक इतना कटा नहीं है जिंदगी में कि मैं इतना रो किसी के लिए, ऑल इज गुड इन माय लाइफ।
मेरे को भी अभी तो अगले 10 दिन के अंदर क्या होगा, मुझे लगा सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं. एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर द 1 मिलियन आल्सो. इट्स सच अ बिग थिंग लाइक कि मतलब एक दिन में ही, बिकॉज अभी कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रैक्स आए हैं बट वो भी 1 मिलियन नहीं गए, एक एक हफ्ता हो गया उन गाने को. लेकिन लाइक इट्स सच अ बिग थिंग फॉर यू. वो इनका जादू है, इनकी पर्सनैलिटी का, उनकी वॉइस का. जो गाना पहले दिन ही 1 मिलियन चला गया इन जस्ट 8 आवर्स. थैंक यू सो मच. सी आई एम हिज फ्रेंड, सो मैं सबसे ज़्यादा उनकी वॉइस से कनेक्ट करता हूँ बिकॉज वो बहुत सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं. एंड हिज पर्सनैलिटी एंड ऑरा एंड हिज वॉइस एंड तो मतलब मैं तो उनकी वॉइस से ज़्यादा कनेक्ट करूँगा ना कि हाँ मेरे भाई का गाना है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली ही इज ऑलवेज वेरी स्टाइलिश. जिम का असर है, जिम एंड एवरीथिंग एंड वेरी गुड लिरिसिस्ट, वेरी गुड सिंगर, एक्टर, ह्यूमन बीइंग. एंड हमने गाना किया हुआ एक मेरा पहला गाना जो 10 मिलियन क्रॉस हुआ था जब मैं नया नया डायरेक्टर बना था, दानियल फाज के साथ था. सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर एंड दिस टू वर्क वेरी सून बन सके. और भाई जब भी मेरा कोई फंक्शन होता है आते हैं और मुझे बुलाते हैं, अच्छा लगता है, हम मिलते रहते हैं. और गाना बहुत अच्छा बना हुआ है. आई वॉच्ड इट एंड आई विश वेरी वेरी गुड वर्क. लेट्स इंट्रोड्यूस वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर हियर, जो हमारे गाने के भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं और काफ़ी अच्छे म्यूजिक कर चुके हैं. आपने गाना भी सुना होगा, मैं देखा तेरी फोटो. तो हमारे गोल्डा जी पंजाब के वो जस्ट अभी मुंबई आए हैं काम करने के लिए, हिंदी कंटेंट के लिए. तो अभी हम साथ में ही काम कर रहे हैं. अच्छा, आपने किसकी फोटो देख के वो गाना लिखा था, मैं देखा तेरी फोटो? मैंने तो म्यूजिक बनाया था, मेरे भाई ने लिखा था, निर्माण ने. पर फोटो किसकी देखी थी? फोटो उसने देखी होगी, उसने अपनी गर्लफ्रेंड की देखी होगी. तो मैंने उसको, इन्होंने वो फोटो चुरा के अपने फोन में उसको म्यूजिक बनाया था. और ये गाना, ये बहुत मेरे भाई की आवाज़ ही ऐसी है कि मैंने खुद मांगा. मैं कहा यार मैं करता हूँ इस गाने को, मुझे नहीं पता. एक्चुअली ऐसे बहुत सारे गाने में जो खुद मांगे हैं, मैं कहा यार मैं ये भी मैं करूँ, ये भी मैं करूँ. और ये क्या है पाजी, ठीक है आप ये कर लो. तो थैंक यू सो मच. तो मेरे भाई ने मुझे मौका दिया. अरे और नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आवाज़ है. ऐसी आवाज़ है कि लोग ऐसी आवाज़ को बनाने के लिए बहुत 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 रियाज करते हैं मेरे भाई की. और बहुत प्यारी आवाज़ है, आप सब प्यार दें गाने को. और गोल्ड बॉय नाम याद रखें, ये मुंबई में अभी नया है. आप बोल रहे शर्ट पहन के आया हुआ है, मैं शेरवाली शर्ट पहन के. गाने में ऋतिक चौहान, मैं वही बोलने वाला था. मैं मायशा ये जस्टिन ओखापा जी, जस्ट एक गाने में सारे ही बड़ी सारे दोस्त आ जाते हैं. ये गाना 3 साल पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो उसका जो एक डमी वर्जन बनाया था वो ऋतिक चौहान ने बनाया था, मेरा छोटा भाई. मेरे को दिख नहीं रहा वो, मैं चाहता हूँ कि वो भी आए. तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अलग अलग रहने लगे थे, वो थोड़ा दूसरा डिस्टेंस, दूर दूर दूर. उसके बाद वो गाना हमने कैंसिल, मैंने कहानी सुनाई दी थी आपको. उसके बाद अभी हम जब साथ में रहने लगे तो फिर उस गाने का प्लान बना फिर से वापस करने के लिए. तो पाजी ने उसको एनहेंस किया, उसको अच्छे से निखारा और अच्छा, जो अच्छा तो था ही और अच्छा बना दिया उसको. तो बेसिकली पूरी टीम का मेहनत है. और जो नाम मिसिंग है यहाँ पे अक्षय अग्रवाल पाजी, अरे उनकी तो बात ही अलग है. जो नाम मिसिंग है यहाँ पे वो है जस्सी पाजी, गौरव भाटिया और दीक्षित सानी, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं लेबल के, वो मिसिंग हैं यहाँ पे. उनको मैं मिस कर रहा हूँ. काफ़ी लोग आने चाहिए थे बट वो चंडीगढ़ रहे, दे आर फ्रॉम चंडीगढ़, तो अभी वो नहीं आ सकते थे. तो उनकी रिवाज दुआएं तो हमारे साथ हैं. सपना, सपना आपने ये सॉन्ग देखा क्या, जीना चाहिए? हाँ देखा, मुझे अच्छा लगा. मेरा वाला ज्यादा अच्छा जो मैंने और दानिश ने किया. जट्टी वाला ना, जट्टी वाला वो भी मैंने किया हुआ था पहले वाला. सही है, सही है. वो किसी और के साथ किया था, ये हमारा था. एक्चुअली आज मेरा सूट थोड़ा टाइट हो गया.
मैं ना गा पा रहा हूँ ना बोल पा रहा हूँ। अच्छा क्या क्या आगे ऑन स्क्रीन दानिश और सपना के साथ कोई गाना हमें फैंस को आगे देखने मिलेगा क्या है? बिल्कुल आप प्रोड्यूस करो। नो आई एम नॉट विल डू सब तैयार खड़े हैं सबका मिलेगा। देखो डायरेक्टर खड़े हैं अभी दोनों बना देंगे बताओ। ये म्यूजिक डायरेक्टर खड़े हैं सिंगर कंपोजर लिरिसिस्ट सब हो जाएगा एक्ट्रेस मिल गई अब फाइनेस्ट डांसर्स भी है हमारे पास तो आप बताओ कब प्रोड्यूसर बोलती बंद हो गई भाई ये कैसे हो गया। एक बात बताइए व्हाई डुओ ट्रायो भी तो हो सकता है। ट्रायो भी तो हो सकता है बिल्कुल मी सपना एंड दानिश वही तो मैं बोल रही हूँ। ऐशान को ट्रायो का बड़ा शौक है मुझे ऐशान का बहुत बड़ा शौक है। ओके सो थैंक यू इज गेटिंग मोर हीट अप ईशान ईशान की नजर आ गई है भाई बाहर मिल रहा। अच्छा लगा सब लोग आए और प्लीज प्लीज मैं एक एक को नहीं बोलूंगा आप सबको आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हो पूरे इवेंट में जो मीडिया वाले होते हैं आई लव यू ऑल। प्लीज़ अच्छे से खा के जाना अच्छे से पी के जाना सिर्फ नॉन एल्कोहल ठीक है। मीडिया वाले बहुत अच्छे होते हैं ऐसे बैठा देते हैं ऊपर यही जैसी बात है हमारे इवेंट पे इधर यही। बाकी बहुत सारे गेस्ट भी आ गए हैं ऑलमोस्ट तो आप उनका इंटरव्यू लीजिए। या 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 थैंक यू सो मच।